যে গ্রামে তো প্রতি লোক কথা বলতে রাখি তো করতে হবে कोविड का जहाँ बहुत सारा नुकसान हुआ तो उसमें एक नुकसान ये हुआ कि तमाम चीज़ें वर्चुअल हो गई हैं आजकल। तो मैं ये सजेशन दूंगा PFFB को कि कोशिश ये करें कि फिजिकल ट्रेनिंग भी करवा दिया करें, जाकर या वहाँ से बुलाकर जिस तरह भी हो सकता है पॉसिबल, एक तो ये करें। और दूसरा ये कि एक मेन फोकस हमें करना चाहिए, वोकेशनल ट्रेनिंग जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान में ख़त्म हो गई है। तो वोकेशनल ट्रेनिंग भी जो है ख़ासतौर पर वुमेन विद विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने आगे जाके यही गृहस्थी और ये सारे काम करने हैं, तो वोकेशनल ट्रेनिंग पर भी हमारा फोकस होना चाहिए। और तीसरी बात और आखिरी ये है कि हमारे जितने भी इदारे हैं यहाँ पर जो ट्रेनिंग्स करवाती हैं, तो वो TTB यानी टेक्निकल ट्रेनिंग बोर्ड से रजिस्टर नहीं होते, इसकी वजह से वो प्रॉपर सर्टिफिकेशन भी नहीं कर सकते, जिसकी वजह से जॉब क्रिएशन में प्रॉब्लम आती है डिसेबल पर्सन के लिए। तो PFFB के इंक्लूडिंग बाकी जितने भी इदारे हैं सबको ये करना चाहिए कि जो इदारे हैं अपने उनको आप TTB में ज़रूर रजिस्टर कराएं, ताकि जो सर्टिफिकेशन है वो प्रॉपर तरीके से हो और इसका बेनिफिट ब्लाइंड के इदारों को पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।